हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपकमिंग यामा FZS वर्जन 5 के बारे में। जी दोस्तों, अपकमिंग FZS वर्जन 5 के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि भाई ऑब्वियस सी बात है, यामा अब कब इस बाइक में अपडेट करेगा, किसकी इसका जो वेट है वो बहुत दिनों से वेट किया जा रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि कंपनी इसमें क्या क्या नया अपग्रेड एंड क्या क्या नया अपडेट कर सकती है। अगर आपको जानना है दोस्तों अपकमिंग FZS वर्जन 5 के बारे में, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन पर आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियोज अपडेट रह सकें। चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में, आपको ये क्या प्राइस देखने को मिलेगी जब ये अपडेट हो जाएगी। लेकिन यार प्राइस के बारे में नहीं, पहले हम अपडेट के बारे में जानते हैं कि कंपनी इसमें क्या क्या नया अपडेट करने वाली है। दोस्तों, इस बाइक में सबसे पहला जो अपडेट होने वाला है, जिसका वेट काफ़ी दिनों से किया जा रहा हुआ है दोस्तों, इस बाइक के इंजन में। देखिए, आपको पता है दोस्तों FZ जो है ना, इसमें पावर बहुत कम है। 12.3 का PS पावर एंड 13.4 का टॉर्क है, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों इस बाइक का पावर एंड जो टॉर्क है भाई, आपको बहुत कम देखने को मिलता है। और आई थिंक कंपनी को इसका जो पावर है भाई, इसको बढ़ानी चाहिए। तो भाई सबसे पहला जो अपडेट होने वाला है इस बाइक में, यही होने वाला है कि इसमें कंपनी पावर बढ़ा के मिनिमम 15-16 PS के आसपास की पावर जनरेट करेगी लगभग, एंड 13.5-14 के आसपास का जो टॉर्क है वो हमें इस बाइक में देखने को मिलेगा, ऐसा दोस्तों प्लान किया जा रहा है। तो सबसे पहला जो अपडेट होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों इस बाइक की पावर में, और जो कि दोस्तों ये अपडेट कंपनी को बहुत पहले कर देना था, लेकिन दे रहा है दुरुस्त है कंपनी। इसमें पावर दोस्तों बढ़ाने वाली है, इसमें आपको जो पावर है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। ये सबसे पहला अपडेट इस बाइक में मिलने वाला है। बात करें दोस्तों इस बाइक के नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो वो होने वाला है दोस्तों इस बाइक के लाइटिंग्स में। देखिए, अभी आपको FZ में जो लाइट आपको देखने को मिलती है, वो आपको फुली LED लाइट आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा कि कंपनी अब इसमें जो है ना LED ही लाइट देगी, बट कंपनी सिंगल LED प्रोजेक्टर लाइट में इसमें काम करने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, इसमें कंपनी सिंगल LED प्रोजेक्टर लाइट आपको ऑफर कर सकती है। तो ये एक नया अपडेट दोस्तों आपको इसमें देखने को मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये अपडेट कंपनी को इसमें करना भी चाहिए, ये भी एक अपडेट इसमें होगा, जिससे इसका लुक एंड डिज़ाइन भी बेहतर हो जाएगा ओल्ड के कंपेयर में। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट होगा इस बाइक के, आपको बता दूँ, स्पीडोमीटर में। देखिए, स्पीडोमीटर में कोई बहुत बड़ा अपडेट तो नहीं होगा, बट देखिए लास्ट टाइम क्या हुआ था कि कंपनी ने जब इसमें अपडेट लाया था, तो भाई साहब स्पीडोमीटर तो MT-15 वाला इन्होंने डाल दिया वर्जन 4 में, बट इन्होंने क्या किया, गियर इंडिकेटर को वहाँ से हटा दिया कॉस्ट कटिंग के चक्कर करने के चक्कर में। बट डोंट वरी दोस्तों, जब वर्जन 5 आएगी तो कंपनी जानती है गियर इंडिकेटर कितना इंपॉर्टेंट रखता है आज की रेट में, तो कंपनी गियर इंडिकेटर दोस्तों इस बाइक में ऑफर करेगी, वो भी आपको इस बाइक में अपडेट मिलेगा वर्जन 5 में। ठीक, स्पीडोमीटर सेम रहेगा। नेक्स्ट अपडेट होगा इस बाइक के सस्पेंशन में। अब आपको पता है दोस्तों कि जब हम लोग जानते नहीं थे USD फोक सस्पेंशन क्या होता है, तब कुछ कंपनियां USD फोक सस्पेंशन दे रही थी, बट अब कंपनियां क्या करी, अपने कस्टमर को लुभाने के लिए, कस्टमर को अपनी ओर खींचने के लिए हर छोटी छोटी बाइकों में भी USD फोक सस्पेंशन देने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है NS160, N160। तो इन चीज़ों को देखते हुए दोस्तों आपको बता दूँ, जो USD फोक सस्पेंशन है वो दोस्तों अब आप लोगों को जो अपनी FZ है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, ये भी एक नया अपडेट इस बाइक में मिलने वाला है। दोस्तों, इसका जो नेक्स्ट अपडेट होने वाला है वो होने वाला है इस बाइक के ब्रेकिंग में। देखिए, अभी दोस्तों इस बाइक में आपको जो ब्रेकिंग देखने को मिलती है, वो आपको सिंगल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलती है। बट दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया कंपनी ने इसमें डुअल चैनल ABS में काम नहीं किया, लेकिन दोस्तों अब वो वक्त आ चुका है कि कंपनी को ये भी अपडेट देना चाहिए। और आपको मैं बता दूँ, ये अपडेट कंपनी देगी भी, कि अब इस बाइक में आपको डुअल चैनल एंटीलॉक जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी दोस्तों आपको इस बाइक में मिलेगा, ये भी एक नया अपडेट कंपनी इस बाइक में करने वाली है। दोस्तों, बात कर लें इस बाइक के नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो वो होने वाला है दोस्तों इस बाइक के टेल लाइट में। देखिए दोस्तों, जो टेल लाइट है वर्जन 3 एंड वर्जन 4 की टेल लाइट बिल्कुल सिमिलर है, कंपनी ने टेल लाइट में जो है कोई भी अपडेट नहीं लाया था। अब कंपनी जब वर्जन 5 लाएगी, तो ऑब्वियसली बात है कंपनी नई जो टेल लाइट है इसमें ऑफर करेगी। हालांकि जो टेल लाइट है उसका डिज़ाइन कैसा होगा क्या, वो तो दोस्तों आने के बाद ही पता चलेगा, बट आई होप कि कंपनी बेहतर और अच्छी टेल लाइट इस बाइक में ऑफर करे। अब दोस्तों ऑब्वियसली बात है, जो अपडेट आपको बताने वाला वो अपडेट होगा ही होगा। अब कंपनी इतने सारे अपडेट कर रही है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कंपनी जो है इसमें नई
टेल लाइट है, नए ग्राफिक में भी काम करेगी। सो दोस्तों इस बाइक में आपको नया ग्राफिक है, जो नया कलर ऑप्शन है वो भी आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा, और जो नया ग्राफिक कलर ऑप्शन होने वाले दोस्तों काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी अच्छे कलर ऑप्शन इस बाइक में आपको मिलेंगे। तो ये भी एक नया अपडेट आपको एफजेड वर्जन 5 में देखने को मिलने वाला है। दोस्तों प्राइस मिनिमम हम मान के चलिए जो है 2 से 3 हज़ार रुपये के आसपास का प्राइस जो है इसका शुरू में बढ़ेगा, और कितना बढ़ेगा भाई वो तो अपडेट होने के बाद पता चलेगा। लॉन्च डेट के बारे में मैं बात करूँ तो ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी, मैं आपको बता रहा हूँ ये लॉन्च होने वाली है 2025 में आपको मिलेगी, और बहुत जल्द हो सकता है इस साल भी मिले, बट ज़्यादा चांसेस अगले साल का है। बाकी दोस्तों कौन कौन इस बाइक का वेट कर रहा है वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। सुमित करता हूँ आपको ये छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगेगी, दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।